जनूबी वजीरिस्तान के इलाका वाना में पाक फ़ौज एफसी और वजीरिस्तान स्काउट्स के ज़ेर इहतमाम पख्तून कल्चर डे और सकाफती मेले इनका किया गया। कमांडेंट साउथ वजीरिस्तान स्काउट्स मोहम्मद ताहिर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब का मकसद कबायली सकाफत का फ़रोग और कबायली अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाना है। कल्चर डे और सकाफती मेले में कबायली अमायदीन, इलाका मशरान, नौजवान, स्कूल्स के तलबा समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कल्चर डे पुररौनक मौका पर मुख्तलिफ सकाफती स्टालस, खाने पीने के स्टालस लगाए गए जो शायकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। कल्चर डे के हवाले से रिवायती रक्स और मुख्तलिफ सकाफती खेल पेश किए गए जो काफ़ी दिलचस्पी का बायस रहे। तकरीब से खिताब करते हुए कमांडेंट साउथ वजीरिस्तान स्काउट्स मोहम्मद ताहिर, कबायली अमायदीन वाओ मशरान ने कहा कि जिंदा कौमें अपनी सकाफत का दिन जोश वाओ खुरूश से मनाती हैं। पख्तून तहजीब हमें अमनो अमान और भाईचारे का दर्स देती है और आज का दिन पश्तून अवाम के लिए किसी खुशी से कम नहीं, क्योंकि ये दिन कदीम पठानों की रिवायत और तशख़्स को नई रूह बख्शता है। इन्होंने कहा कि जनूबी अज़ला के कबाइल में सकाफती बंधन, इत्तेहाद वाओ इत्तिफाक, वफादारी, बैनुल कबाइल हम आहंगी और मादर वतन से मोहब्बत को फ़रोग देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का अहम किरदार रहा है। कबायली अमायदीन का कहना था कि पश्तून एक बहादुर और मुहिब वतन कौम है, वो गैर मुल्की एजेंसियों की हर साजिश को बाहमी इत्तेहाद और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज का साथ देकर नाकाम बनाने के साथ साथ अपने वतन अजीज़ के अमन वाओ सुकून को गैर मुस्तहकम करने के खिलाफ सीसा पालाई दीवार साबित होंगे।